आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत खरौद में आज शिवसेना के द्वारा नगर पंचायत की उदासीनता को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां शिव सैनिकों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दरअसल यह पूरा मामला नगर पंचायत खरौद का है, जहां खरौद में शिव सैनिकों के द्वारा खरौद में पूर्व में भी 18 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा चुका है, जिसका ज्ञापन तहसीलदार को देते हुए कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी, परंतु नगर पंचायत खरौद के द्वारा आंदोलन की चेतावनी के बावजूद कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं अब शिव सैनिकों ने नगर पंचायत के ऊपर उदासीनता का आरोप लगाते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है, जिस पर तहसीलदार ने सीएमओ को पत्र लिख और अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। ये 30 से 25 साल हो गया है नगर पंचायत खरौद को नगर पंचायत बने हुए। यहाँ पर इतनी सारी समस्या है जिनको कोई भी जनप्रतिनिधि या तो सरकारी कर्मचारी जो भी है SDM कलेक्टर या कोई भी हो, कोई भी नगर पंचायत खरौद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इतनी सारी समस्याएं हैं, कोई गरीब आदमी अगर आवेदन लगाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। एक गरीब आदमी आखिर करे तो क्या करे। हमारे पूर्व में भी संगठन द्वारा आंदोलन किया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई है। क्या मामला था शिवसेना वालों की? खरौद के इकाई वालों ने धरना प्रदर्शन किया है। इनकी कुछ मांगे हैं, नगर पंचायत खरौद में डेवलपमेंट के काम जो अधूरे हैं, सफाई नहीं हो रही है, इस बाबत ये लोग शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आज ये लोग 21 तारीख को धरने पे बैठे हैं, परमिशन के साथ बैठे हैं। SDM सर के निर्देश पे मैं इनका ज्ञापन ले रही हूँ और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हम लोग CMO को आज ही निर्देशित करेंगे। क्या कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ये तो जनहित के काम है सब। ये तो लगातार सतत इसका निरीक्षण होता रहता है, है ना? जैसा SDM सर निर्देश देंगे तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। RNN News के लिए सरोज कुमार सारथी की रिपोर्ट।